से काशीपुर नेशनल हाईवे पर ग्राम गुलरिया के पास गैस सिलेंडर से भरे ट्रक का टायर फटने से ट्रक में आग लग गई। आग लगते देख ड्राइवर और कंडक्टर ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। ट्रक में लगी आग इतनी भयंकर थी कि ट्रक में लदे गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फटने लगे, जिस कारण पास में स्थित गेहूं के खेतों में आग लगनी शुरू हो गई। आग से खेतों में रखी फसल जलने लगी और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके पश्चात ठाकुर द्वारा से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आ पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फिलहाल किसी भी जान हानि की सूचना नहीं है। INN न्यूज के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। अरे भैया स्विफ्ट साइड हो गई यार। हेलो, हाँ भैया दिन में करीब 1 बजे के आसपास आज भोजपुर में, भोजपुर से ठाकुर द्वारा की तरफ जाते हैं हम राजा जनपद में, तो यहाँ पर एक गैस से भरा हुआ ट्रक जा रहा था और ट्रक के चलते हुए ट्रक के अंदर उसके टायर के अंदर आग लगी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, उसको आग बुझाने की कोशिश की, जब तक वो आग तेज़ी से जलने लगी ट्रक के अंदर और आग पकड़ ली, तो ड्राइवर और जो मौके के आसपास लोग थे वो दूर चले गए, तो उसके अंदर जितने भी सिलेंडर थे उन्होंने आग पकड़ ली और धीरे धीरे उनमें विस्फोट होने लगा। आसपास के जो खेत थे जिनमें भी सिलेंडर जब दूर जाके पड़ने लगे खेतों के अंदर, तो आसपास के खेतों में भी आग लगी, लेकिन आग को काबू में पा लिया गया है। हमारी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और आग को पूरी तरह काबू पा लिया गया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और अभी सभी फिलहाल सुरक्षित हैं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।